दोस्तों, नए चैप्टर की शुरुआत होती है ग्रेगोरी नामक एक बेवकूफ़ से, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को लेकर चल पड़ा है रांगा और बाकियों से लड़ने के लिए। अब डीमन हंटर, जो स्पेशली डियाब्लो के लिए बुलवाए गए हैं, वो राजा एडवर्ड के पास रुके हुए हैं, और जो फालमुथ की सबसे काबिल सेना थी वो जंग में पहले ही मारे जा चुके हैं, और अब जो उनके पास सेना बची है वो रिजर्व की है, जो इतने काबिल नहीं है कि इन डीमन्स का सामना कर सके। अब क्योंकि ग्रेगोरी खुद चर्च के बैटल सेजेस में से एक है और वो भी इनका सामना नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उनके बचने के चांसेस फिलहाल बहुत कम है। ग्रेगोरी और बाकी बचे लोग जिनका सामना कर रहे हैं वो है रांगा, गॉबलिन राइडर्स और ड्रैगनयूट, जिनमें गॉप्टा और गाबिरू भी शामिल हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ये स्लैम की मांगा एक्सप्लेनेशन का 10वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो यार शुरू करते हैं। सारी डियाब्लो से बात कर रही थी। वो कहती है कि तुम मुझे कोई मामूली डीमन नहीं लगते, तुम आखिर हो कौन? डियाब्लो शायद उसका मतलब समझ नहीं पाया और कहता है कि मैं लॉर्ड रिमर का फेथफुल बटलर हूँ। इतना सुनते ही पता नहीं ग्लेंडा को क्या हुआ, वो डियाब्लो पर खंजर के जरिए हमला कर देती है। सारी तो चौंक गई। डियाब्लो कहता है कि मुझ पर कोई भी फिजिकल अटैक्स काम नहीं आएंगे। वैसे तो सारी सबसे पहले जानकारी लेना चाहती थी डियाब्लो से पंगा लेने से पहले, मगर अब ग्लेंडा ने पंगा ले ही लिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, और वो ग्लेंडा से सपोर्ट मांगती है। मगर सारी ने जब पलट कर देखा तब उसे पता चलता है कि वो तो खंजर फेंक कर कब की निकल चुकी है, और अब इस सिचुएशन में सारी अकेली फंसी हुई है, वो भी एक डीमन के साथ। अब क्योंकि सारी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो डियाब्लो पर हमला कर देती है। ये सोचकर कि डियाब्लो एक आर्च डीमन से ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो सारी के लिए डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होगा मगर नामुमकिन नहीं। मगर ये सुनते ही डियाब्लो क्लेरिफाई करता है कि वो कोई आर्च डीमन नहीं है। वो कहता है कि जब लॉर्ड रिमरू ने मुझे नाम दिया तब मैं इवॉल्व हो गया, और अब वो कोई आर्च डीमन नहीं बल्कि डीमन पियर है। सारी को डियाब्लो की बातों का भरोसा नहीं हुआ। तब हमें प्रॉपरली पता चलता है कि डीमन पियर डायरेक्ट इवोल्यूशन है आर्च डीमन का, जिसका मतलब यह है कि एक अवेकन डीमन लॉर्ड और डीमन पियर में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर होता है, जिनकी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। बस फिर क्या था, सारे को ये बात पता लगती है, और ये भी कि शायद उस वक्त डीमन हंटर भी ये बात जान चुका था कि ये एक प्राइमोडियल रैंक का डीमन है, इसलिए वो वहाँ से कल्टी मार लिया अपनी जान बचा के। सारी को ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि अगर ये डीमन सचमुच में इतना पावरफुल है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये किसी का मर्डर करे और इसे पता ही ना चले कि इसकी फिल्म उतर गई। इस कैलिबर तक के डीमन्स को तुरंत ही पता चल जाता है कि वहाँ आसपास कोई है भी या नहीं, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये बेकसूर हो? क्योंकि क्रिस्टल बॉल की वीडियो से कुछ भी साबित नहीं होता, और एडमारिस और योन का रेपरेशन के पैसे लेकर भाग जाना, फिर फालमुथ का जर्नलिस्ट या ढेर सारे रिपोर्टर्स का यहाँ एक साथ आना, इतने कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते। इस दौरान भी उन दोनों की फाइट चल रही थी। सारे को समझ में आ जाता है कि ये अगर इतना पावरफुल डीमन है तो वो उसको कब का मार चुका होता, मगर डियाब्लो का उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। और फिर तब सारे को ये भी याद आता है कि ये सारा कुछ तब स्टार्ट हुआ जब इनाटा चर्च से जूरा टेम्पल जाने के लिए निकल गई। सारी समझदार निकली, उसे ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ये सारा किया करा है उसका है जिसने इनाटा को ज़बरदस्ती जूरा टेम्पल भेजा। मगर ये सब उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि चर्च में सेवन लुमिनारिस की रेपुटेशंस क्या है ये हम सब जानते हैं। फिर सारी को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देख सकते हैं कि वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि सेवन लुमिनारिस की है। 7 में से 3 सेवन लुमिनारिस के लोग यहाँ आए हैं डियाब्लो को ख़त्म करने के लिए। सारी उन एल्डर्स को कहती है कि रुक जाइए, पहले हमें इससे बात करनी होगी। मगर डियाब्लो पीछे से कहता है कि इसकी कोशिश भी बेकार है क्योंकि वो तीनों तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वो लोग यहाँ उनके खिलाफ जो सबूत है उसे मिटाने के लिए आए हैं, ठीक एक गुनहगार की तरह, क्योंकि यही एक वजह हो सकती है उनकी इस वक्त इस पर्टिकुलर मौके पर आने की। वहीं दूसरी ओर टेम्पल्स में इनाटा कहती है इस फाइट को मैं अब अपने आखिरी अटैक से ख़त्म करूँगी। इनाटा रिमरू को वार्न करती है कि मैं अब जो अटैक यूज़ करने जा रही हूँ वो बहुत डेंजरस है। मगर रफाल के मुताबिक हिनाटा की रिमरू को मारने की कोई इंटेंशंस नहीं है, जिससे सुन रिमरू चौंक जाता है क्योंकि रिमरू को अब भी ऐसा लगता है कि हिनाटा वहाँ उसे मारने के लिए आई है। यह जानकर रिमरू हिनाटा के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे इस अटैक के बाद सर्वाइव कर गया तो मैं इस लड़ाई को बाय डिफ़ॉल्ट जीत जाऊँगा। ये सुनकर हिनाटा बड़े प्यार से मुस्कुराती है, जो देख कर रिमरू भी उसकी स्माइल पर फिदा हो गया।
रिमारू कहता है कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद हम में से कोई भी गलत फीलिंग्स नहीं रखेगा और वो जूरा टेम्पल्स फेडरेशन को भी अकेला छोड़ देगी। वैसे हिनाटा के पास कोई वजह नहीं है जूरा टेम्पल्स या रिमारू पर हमला करने की। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसने रिमारू का क्रिस्टल बॉल वाला मैसेज सुना जिसमें उसने हिनाटा से लड़ने की बात कही थी, और हम जानते हैं कि उसी मैसेज की वजह से ही ये सारी भजड़ मची हुई है। रिमारू कन्फ्यूज था क्योंकि ये बात तो सच है कि उसने लड़ाई करने के लिए कहा तो था, मगर वो हिनाटा से कहता है कि तुमने अगर मेरा पूरा मैसेज पढ़ा होता तो तुम्हें ये भी पता चल जाता कि मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा था, मगर अब जाहिर है कि इस बारे में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। रिमारू जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे पता चलता है कि सिर्फ उसी की लड़ाई सेटल होनी बाकी है क्योंकि सियोन ने अपना काम ख़त्म भी कर लिया और वो कहीं गायब भी हो गई। फिर हिनाटा अपना अटैक करने के लिए अपना मंत्र पढ़ना शुरू करती है। रिमारू बेनिमारू से कहता है कि अगर उससे कुछ भी हो गया तो उसकी जगह तुम लोगे, मगर बेनिमारू कहता है कि आपकी जगह जूरा टेम्पल्स में और कोई नहीं ले सकता। हिनाटा ने अपनी स्वॉर्ड को होली मैजिक से इन्फ्यूज़ कर दिया जिसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अभी हिनाटा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है। हिनाटा रिमारू की ओर आगे बढ़ती ही है कि राफेल कहती है कि इस अटैक को ना तो डिफेंड किया जा सकता है और ना ही अवॉइड किया जा सकता है। अटैक को देखकर राफेल बेलज़बूब का यूज़ करती है जिसके टकराने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, मगर हिनाटा के उस हमले से वो धूल हटती उससे पहले ही बेनिमारू हंस पड़ा। वो जान गया है कि ये लड़ाई रिमारू जीत चुका है। वैसे वो अटैक इतना खतरनाक था कि रिमारू भी वहाँ खड़े खड़े गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि रिमारू को अपने टोटल मैजिक यूज का 70% तक का हिस्सा यूज़ करना पड़ा, और तो और उसे अपनी अल्टीमेट स्किल बेलज़बूब की कुर्बानी भी देनी पड़ी सिर्फ अकेले उस अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि राफेल के मुताबिक सिर्फ यही एक रास्ता था हिनाटा के अटैक को कैंसिल आउट करने का, जो ऑब्वियसली मर जाने से तो बेहतर ही था। ये देखकर फिर हिनाटा हंस पड़ी और कहती है कि अब डील के मुताबिक तुमने मेरे अटैक को खड़े खड़े चेला है, जो सीधे तौर पर दर्शाता है कि वो इस लड़ाई को हार चुकी है। मगर वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही सेवन लुमिनारिस की दी हुई ड्रैगन बस्टर से एक मैजिक एनर्जी निकलती है जो सीधे रिमारू की ओर बढ़ती है, मगर वक्त रहते हिनाटा रिमारू को धक्का देती है जिससे वो मैजिक एनर्जी का अटैक हिनाटा के आर पार निकल जाता है, जिसके बाद रिमारू हिनाटा के शरीर को गिरने से बचा लेता है। दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie birds, I'm flowing. Keep a drain, my money growing. Give me brain war, total soaking. Squirt, squat, my force in the ocean. Give me pussy and rubby with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potion. Some hyper potion. Yeah, yeah, yeah. Johnny, grow out, hit you with leaves.